saiyo. वो मैं तो मुझे माफ कर दो, तुमने यहां जो कुछ भी देखा वो सत्य नहीं है। क्या हुआ पंडित जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या कह रहे थे आप कि सत्य नहीं है? वो संसार, संसार सत्य नहीं है, सब सब मिथ्या है, मिथ्या। और माफी, माफी किस बात की मांग रहे थे आप? अब इतने बड़े मंदिर में काम कर रहा हूं, छोटी मोटी भूल चूक हो रही है मुझसे, इसलिए माफी मांग रहा था, भगवान से भी और तुमसे भी। चिंता मत कीजिए पंडित जी, आप अच्छा ही कर रहे हैं, बाकी आप करते करते ही सीख जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? साईं, हर साल बरसात के समय ये जगह कुत्ते और बिल्ली के सर छुपाने की जगह थी, लेकिन कुछ दिनों पहले तेज हवा की वजह से इसकी छत टूट गई। साईं, इसे आप ठीक करने में हमारी मदद करेंगे ना? जरूर। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। साईं, ये तो ठीक हो गया? नहीं, अभी नहीं, अभी हमें इस पर थोड़ा सा वजन रखना होगा ताकि इसे स्थिरता मिले, हवाएं इसे उड़ा ना सके। मेरी जेब अचानक से अत्यधिक भारी क्यों लग रही है? ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं, मुझे इस लूट को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा। मंदिर के पीछे ही छुपा देता हूं।
को भी अभी इधर आना था। यमुना यहां मालसापति मंदिर में, मतलब घर खाली, जगह मिल गई। नमस्कार मालसापति जी। नमस्कार जी। देवीदास जी इस साल अमरनाथ जी की यात्रा पर जा पाए और वे इसे हनुमान जी की कृपा मानते हैं। बड़े दिनों बाद पूर्णवासी आज मंगलवार के दिन आई है, इसलिए देवीदास जी की इच्छा है कि हनुमान जी को आभूषणों से अलंकृत किया जाए। बहुत सुंदर। मैं रघुनाथ को कहता हूं कि इन आभूषणों से हनुमान जी को अलंकृत कर दे। अब वही है यहां का पंडित, लाइए। रघुनाथ, रघुनाथ, पंडित जी कहां? पता नहीं, अभी तो यहीं थे। कुछ बताया नहीं कहां जा रहे हैं? नहीं। ऐसे बिना बताए मंदिर छोड़ के कहां जा सकता हो? सुनो, अब वो नहीं है तो उनका कार्यभार तुम्हें ही संभालना है। इधर आओ। इन आभूषणों से हनुमान जी को अलंकृत कर दो। लो। हे भगवान, क्या हुआ? हनुमान जी के बाएं हाथ का कड़ा गायब है। यही मौका है। साईं, आप यहां? मैं इधर से गुजर रहा था तभी तुम्हें देखा। अरे, तुम्हारे हाथ तो गंदे हैं। आओ, मैं धुला देता हूं। कहीं साई ने मुझे कड़ा छुपाते हुए देख तो नहीं लिया? बीज बो रहे थे क्या? हाँ 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 साई, बीज बो रहा था। आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है। बतौर पंडित आज मंदिर में मैंने पहली बार पूजा कराई है, तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए मैं एक वृक्ष उगाना चाहता था, बस इसलिए बीज बो रहा था। बीज बोया है तो फल भी जरूर मिलेगा। अच्छा साईं, मैं चलता हूं। रुको, मुझे भी पानी भरने उसी तरफ जाना है। मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ।
लाइए ये मटका मुझे दे दीजिए। मैंने कहा ना, मुझे अपना बोझ उठाने की आदत है। चलो। वहां पे भी नहीं है। हो सकता है पंडित जी को पता, लेकिन ये पंडित जी है कहां? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा पाटिल जी, एकदम से कहां चला गया वो, और वो भी बिना बताए। लगता है कड़ा गायब होने की खबर फैल गई है। मैंने समय पर कड़ा छुपा के बुद्धिमानी का काम किया। कुछ सोच रहे हो रघुनाथ? कुछ नहीं। तो फिर मंदिर में जाओ और देखो। मंदिर में जो भी समस्या है उसे ठीक करना तुम्हारी ही तो जिम्मेदारी है। समस्या? मेरी जिम्मेदारी? भक्तों की गहमा गहमी देखकर लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, और हनुमान मंदिर का पुजारी होने के नाते जो भी हुआ है उसे ठीक तो तुम्हें ही करना होगा, है ना? जी साईं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जाओ। क्या हुआ, आप सब लोग इतने हैरान परेशान क्यों हैं? अनर्थ हो गया। अनर्थ? पंडित जी, देवीदास जी के भेजे हुए आभूषण से जब मैं हनुमान जी को आभूषित करने जा रहा था तो अचानक मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले जो कड़े चढ़ाए गए थे उनमें से एक कड़ा गायब है। हमें लगा कि कहीं तुमने तो। हे भगवान, ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? मंदिर से कड़ा कैसे गायब हो सकता है? हे बजरंगबली, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप अपने भक्तों की? यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। हमने इस मंदिर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो कड़ा कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात बता रघुनाथ, तुम ये मंदिर छोड़कर बिना बताए कहां चले गए थे? ये समय सवाल पूछने का नहीं है, कड़ा ढूंढने का है। ढूंढिए आप सब भी कड़ा। हे भगवान, पता नहीं अब मिलेगा भी या नहीं। कोई भी चुरा सकता है, पर चुराने वाला अब तक तो मंदिर से चला भी गया होगा। यह कैसी बात कर रहे हैं आप पंडित जी? कोई चोरी क्यों करेगा, वो भी भगवान का कड़ा। बहुत ही घटिया व्यक्ति होगा वो जिसने ये पाप किया है। ये पाप मैंने किया है। और क्या, मेरी वजह से वो कड़ा चोरी हुआ ना, मैं यहां से जाता पर ना ही कड़ा चोरी होता।
हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा प्रभु क्षमा। आज पुजारी के रूप में मेरा पहला दिन था और आज ही आपका कड़ा गायब हो गया। दुखी मत हो रघुनाथ, भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर तुम वाकई खुद को दोषी मानते हो तो सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी कामना जरूर पूरी करेंगे। कड़ा जरूर वापस दिला देंगे। जी साईं। मैं सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करूंगा। हे पवन पुत्र, मेरे खातिर गुम हुआ कड़ा वापस ला दीजिए, वापस ला दीजिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा, पाप लगेगा प्रभु, पाप देखिए। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली रघुनाथ, ईश्वर की कृपा है आप पर, वो आपकी सुनते हैं। कड़ा यहां कैसे? मैंने तो इसे कुछ देर पहले अपने हाथों से कहीं और छुपाया था। मैंने कहा था ना, भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं करते। और जब भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर ये कड़ा तुम्हें वापस दे दिया है तो मुझे लगता है तुम्हें अपने ही हाथ से दोबारा ये कड़ा हनुमान जी को पहनाना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। यही सही रहेगा। लो। नहीं, साईं कड़ा लाकर यहां कैसे रख सकते हैं? हम दोनों तो साथ साथ आए हैं।
अब इन आभूषणों से भी हनुमान जी को अलंकृत कर दो। सच में लगता है भगवान की कृपा है मुझ पर। मैं तो बेवजह ही एक कड़े की चिंता कर रहा था, जबकि इतने सारे आभूषण मेरी आंखों के सामने पड़े थे।